विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के विधानसभा में हुई नियुक्तियों को रद्द करने की घोषणा के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल का बड़ा बयान सामने आया है। कुंजवाल ने कहा है कि उन्होंने विधि सम्मत तरीके से सभी नियुक्तियां की हैं, साथ ही तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही भर्तियां की गई हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल ने गैरसैंण विधानसभा अस्तित्व को लेकर भी बात कही है। उन्होंने कहा कि उस समय गैरसैंण विधानसभा अस्तित्व में आ गई थी, उसे स्थायी राजधानी बनाए जाने के लिए उनके द्वारा विधानसभा में नियुक्तियां की गई, जिसके लिए सरकार से पद मांगे गए और वित्तीय स्वीकृति ली गई। उसके बाद ही विधि सम्मत तरीके से भर्तियां की गई हैं। फिलहाल वे वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। इसके साथ ही आइए सुनते हैं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल ने क्या कुछ कहा। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैं इतना कहना चाहूँगा कि मेरे समय की जो भर्तियाँ हुई थी वो सारी की सारी भर्तियाँ विधि सम्बद्ध हुई हैं और तत्कालीन आवश्यकता के आधार पर की गई। तत्कालीन आवश्यकता में इसलिए कह रहा हूँ कि उस समय गैरसैंण में विधान भवन बन चुका था और अंतिम वर्ष में मैंने नियुक्तियाँ करी और हमारा ये बिल्कुल मेरा ये सोच बन गया था, जिस पर मैंने मुख्यमंत्री जी को भी राजी कर लिया था कि हम अपने विधानसभा भवन को गैरसैंण में शिफ्ट करेंगे।